तो कल्पना की सियासी पारी का शानदार आगाज हुआ है। कल्पना ने झारखंड की सियासत में नए अध्याय की शुरुआत की है। झारखंड की राजनीति में कल्पना की धमाकेदार एंट्री का क्या मायने है, इस रिपोर्ट में देखिए। वो रोई, वो लड़ी, वो जूझी और वो जीती। कहानी एक वीरांगना की है, वीरांगना जिसे पति के जेल जाने का दर्द तो था, लेकिन उसने इसे कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वो लड़ी बड़े दिग्गजों के खिलाफ, वो बोली व्यवस्था और नीतियों के खिलाफ। वो राजनीति में नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उसने झारखंड की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया, उसके कायल राजनीति में अपना लोहा बना चुके हर दिग्गज हुए। उसने परिवार के साथ पार्टी की जिम्मेदारी को संभाला और ऐसा संभाला कि जिस राज्य में बीजेपी जैसी पार्टी क्लीन स्वीप का दावा कर रही थी, वहां उसे 14 में से 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। हम बात कर रहे हैं पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की। कल्पना सोरेन ने सियासी पारी का शानदार आगाज किया है। कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। कल्पना की जीत से पार्टी के नेताओं और समर्थकों में काफी खुशी है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने विधानसभा उपचुनाव में 27,139 मतों से जीत हासिल की है। कल्पना की जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि कल्पना सिर्फ उपचुनाव नहीं लड़ रही थी, कल्पना पूरे झारखंड में इंडी गठबंधन की सबसे भरोसेमंद चेहरे के रूप में चुनावी प्रचार का कमान भी संभाल रखा था। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान कल्पना सबसे बड़ी स्टार प्रचारक के रूप में उभर कर सामने आई। कल्पना ने साग की लड़ाई में भी दुमका से अपनी जेठानी के खिलाफ जमकर पसीना बहाया और इसका परिणाम ये हुआ कि दुमका लोकसभा सीट एक बार फिर से जेएमएम के खाते में आ गई। चुनावी परिणामों के आकलन के हिसाब से भी कल्पना ने खुद को स्थापित किया है। ये जीत कल्पना के लिए किसी नेता की जीत से ज्यादा एक पत्नी, एक बहू और एक माँ की जीत है। अब कल्पना को लेकर किसी के जहन में कोई सवाल नहीं। कल्पना ने 24 के रन में पति हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में खुद को साबित किया। कल्पना ने बताया कि एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी माँ के साथ साथ एक कुशल नेता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट।